सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं। और जल्द केजरीवाल जी बहुत ही खुशनुमा और खुशी के आंसू सबके आंखों में थे। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। क्या ये जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, दिल्ली में डगमगाती सरकार और आम आदमी पार्टी की राजनीति को संभाल पाएंगे, इन सभी सवालों का जवाब देंगे आपको इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सोशल मीडिया के न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 177 दिनों से सलाखों के पीछे हैं, दिल्ली के कथित आबकारी नीति के घोटाला मामले में इन्हें CBI ने अपने हिरासत में लिया हुआ था और दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की याचिका को रद्द कर दिया था और उस फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में जमानत नहीं मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ले जाया गया और यहां पर उन्हें आखिरकार बेल मिल ही गई। और 177 दिनों बाद अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आएंगे और दिल्ली की राजनीति जो डगमगा रही है, दिल्ली सरकार जो कई मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार कर रही है, हस्ताक्षर का इंतजार कर रही है, कई योजनाएं जिसकी वजह से अटकी हुई हैं उस पर अब निर्णय हो सकेंगे। दिल्ली की जनता जो त्राही त्राही कर रही है उसे संभव है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कुछ राहत मिल सके। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे मामले में राहत है वो अरविंद केजरीवाल को इसलिए भी मिली क्योंकि 177 दिन बाद आखिरकार उन्हें जमानत दे ही दी गई। इससे पहले मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें लगभग 17 महीने बाद जमानत मिली थी और वो जेल से बाहर आए और उसके बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से सलाखों से बाहर निकाला जाए और डगमगाती इस अर्थव्यवस्था को, डगमगाती राजनीति को और व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को, योजनाओं को जिन्हें क्रियान्वित करना है उस पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। इस पूरे मामले में LG की भूमिका और किस तरह से दिल्ली में जो हालात बिगड़ रहे थे, राष्ट्रपति शासन तक की बातें शुरू हो गई थी, उन सभी विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि 10 लाख रुपये के बॉन्ड के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जमानत मिलने के बाद अब बाहर आएंगे, आज जल्द ही इस बारे में और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल केजरीवाल ने जमानत के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले से जुड़े ED के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने फैसला दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अरविंद केजरीवाल का पक्ष यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे थे और उन्होंने जो दलीलें दी वो अरविंद केजरीवाल के काम आ गई और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर होंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला सुनाया गया है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया दोनों ही इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे और दोनों ही की राय अलग अलग थी। हालांकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल ही गई और जो अब तक डिटेल मिल पा रही है कि 26 जून 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब 177 दिन बाद उनकी रिहाई हो रही है। हालांकि ये रिहाई सिर्फ जमानत मिलने पर है और जमानत के लिए 10 लाख रुपये का उन्हें अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे, चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए। इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम सब खुश हैं, हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे,
आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है, ताकि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ही खुशनुमा और खुशी के आंसू सबके आंखों में थे। सारे हमारे नेताओं के आंखों में दबदबाती हुई आंखें, मतलब खुशी की इतनी थी कि अभी सामने वो आ भी नहीं पा रहे। सभी लोग आएंगे और सबके अंदर उत्साह है। आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि अभी कुछ और मामले हैं, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें भी अरविंद केजरीवाल का ईडी और सीबीआई में जांच चली रही है। कथित शराब घोटाला मामले में जो शराब नीति की कथित गड़बड़ियों की अनियमितताओं की बात सामने आई थी, उस पर भी अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल उन्हें सपोर्ट करना होगा, उन्हें पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन अपना देना होगा, जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा। इन्हीं शर्तों पर उन्हें ये जमानत दी गई है, और इस जमानत के मिलने के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, आम आदमी पार्टी की जो डगमगाई हुई राजनीति है उसे संभालने में शायद उन्हें कुछ मदद मिले। चूंकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, और इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो क्या रहेगी, अब आप देख पाएंगे इसे। चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार कई राज्यों में जहां पर उनकी सरकारें नहीं हैं, जहां पर वो एक पोटेंशियल पॉलिटिकल पार्टी बनकर निकलते हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने पंजाब में देखा, पंजाब में पूरी तरह से नकार दिया गया, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का विरोध किया, लेकिन हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिले, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ इनकार है कि वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि अब बाहर आ गए हैं, तो बड़े नेता के बाहर आने पर हो सकता है कि बड़े नेताओं के बीच बातचीत हो और अरविंद केजरीवाल कोई बीच का रास्ता यहां पर निकाल लें। चूंकि सीटों को लेकर जो स्थिति है वो यहां पर फंस रही थी, अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो बाहर आएंगे, तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। हो सकता है कि इसके बारे में वो कोई बड़ा फैसला भी ले। हालांकि दिल्ली में भी बहुत जल्द चुनाव होने, ऐसे में दिल्ली की भी परिस्थितियों को संभालना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चूंकि इस वक्त दिल्ली में मामला डगमगाया हुआ है, न सिर्फ राज्य की सरकार बल्कि नगर निगम भी इस वक्त पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। क्योंकि कई योजनाएं जो अभी अधर में लटकी हुई हैं, कई फैसले जो कि एलजी के पास फाइलें अटकी हुई हैं, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब वो सीएम कार्यालय जाएंगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय जा सकेंगे, क्या वो बतौर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर कर सकेंगे, ये भी अभी एक संशय बना हुआ है। बहरहाल इस पर एक जो जजमेंट की जो कॉपी है वो बाहर आने के बाद स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाएगी, और उन परिस्थितियों को लेकर, जजमेंट की कॉपी को लेकर हम एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इस बारे में और लंबी और विस्तारपूर्वक जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के विषय पर, या फिर कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीति में बदलाव आएगा हरियाणा के चुनाव में या दिल्ली के आने वाले चुनाव में, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा।